देखिए हमारा नाश्ता कितना अच्छा बना हुआ है, काफी सॉफ्ट है एकदम, दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छा सिक गया है। रवा कैसे अच्छा नाश्ता नहीं बन सकता है, इसको अच्छी तरह से हम काट देंगे इस तरह से। काफी स्वादिष्ट नाश्ता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। कितना फ्लफी और कितना सॉफ्ट बना हुआ है। आप तवा पे बनाइए, कढ़ाई में बनाइए, सॉस के साथ, चटनी के साथ आप सर्व कीजिए कि नाश्ता कितना अच्छा बना है। एक बार आप इस तरह से बनाइए और कैसा बनता है अपना अनुभव मुझे बताइए, और कुछ सलाह या सुझाव है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए। चलिए बनाते हैं। नमस्कार, आज मैं रवा से नाश्ता बनाऊंगी, एकदम सिंपल तरीके से बनेगा और काफी टेस्टी बनेगा और काफी सॉफ्ट नाश्ता बनेगा। इसके लिए मैं ले ली हूँ एक कटोरी रवा है और मेरे पास इडली का बैटर है। इसमें मैं थोड़ा पानी डाल के इसको पतला कर ली हूँ। इसकी जगह पे आप दही अच्छा से भी ले सकते हैं। रवा को हम इसमें डाल देंगे और इसको मिला लेते हैं अच्छी तरह से। मिला लेते हैं अच्छी तरह से, मिक्स हो गया है, इस तरह का घोल बना है। इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं साइड में। इसे खाने के लिए हम चटनी बनाएंगे। मैं नारियल ले ली हूँ, अदरक है, मिर्च है, सिंगदाना है, सभी को डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, पानी डालेंगे और इसको पीस लेते हैं। चटनी हमारी बन गई है, रवा भी हमारा फूल गया है, 5 मिनट ही हुआ है इसको डाले। अच्छी तरह से रवा फूल गया है। इसमें हम छोटे टुकड़े में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। सब्जी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मिर्च है डाल छोटी कटी हुई है इसको भी डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, आप गाजर ये सब भी डाल सकते हैं स्वाद के हिसाब से। नमक डाल देंगे, इसको मिला लेते हैं। कढ़ाई गरम करेंगे, इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, इसमें सरसों डालेंगे, उड़द की दाल डाल देंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, हल्का जला लेंगे हम। गैस बंद कर देते हैं, थोड़ा इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। इसमें तड़के को डाल देते हैं, थोड़ा सा चटनी में डाल देंगे, अच्छी तरह मिला लेते हैं। तड़के में से थोड़ा सा चटनी में भी डाल देंगे, चटनी भी काफी स्वादिष्ट हो जाएगी। चलिए बनाते हैं। अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। कढ़ाई रखी हूँ मैं, तवा पे भी इसको बनाया जा सकता है। इसमें हम थोड़ा सा इनो डालेंगे, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इससे काफी फ्लफी बनेगा और काफी सॉफ्ट बनेगा।
बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, थोड़ा सा इस पर सरसों डाल देंगे हम। जो बटर बनाया है गैस का फ्लेम कम रखेंगे। आधा बटर इसमें डाल देंगे और इसको ढक देते हैं, हल्के आंच पे इसको पकने देते हैं। देख लेते हैं कितना अच्छा बना है। बहुत ही अच्छी तरह से बहुत अच्छा बना है। इसको हम पलट लेंगे। सावधानी से कितना सुंदर बना है, कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेंगे, दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से सेक जाने देते हैं। एक हम तवा पे बना लेंगे। तवा पर भी हम सेम तरीके से बनाएंगे, थोड़ा तेल डाल देंगे, सरसों डाल देंगे। अच्छी तरह से सरसों को जला लेते हैं। इसको ढक के पकाते हैं, ढक देते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है, दोनों तरफ अच्छी तरह सिक गया है। इसको निकाल लेते हैं, चटनी के साथ सर्व कीजिए। और कैसा बनता है बताइए आप मुझे। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।